परेशान हो पड़ता है मेन कर रखा है वो दिन हरा लेना है जाओ करे हमने कहा था जाओ ना हो आगे भैया उन्हें जाता माता चुप रहो आप शांत रहो बस कर रहा है कि हम लोग सावधान रहे खतरा है भैया देख सकते हैं धीरे धीरे इस वातावरण को हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के सर मित्र बताना चाहते हैं सूचना आती है और सूचनाओं के अनुसार आना जाना लगा रहता है जीव जंतुओं को सुरक्षित पकड़कर जिम्मेदारी से पुनर्वास के लिए जंगल में ऐसी जगह रिलीज करना जहाँ उनको कोई परेशानी ना हो और अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो जब से वो संभाला अपने परम कर्तव्य को निभाते हुए सर्पों को बचाने के कार्य को अंजाम कर देते हुए आज हम आ गए हैं ये ग्राम अमरौली। पोस्ट कौन सा है? कीरतपुर। पोस्ट कीरतपुर और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक घुघरापुर डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। तो यहाँ के ये लोग हैं शिक्षित लोग हैं एक बेजबान की बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ये जो ग्रामवासी हैं और जिनके यहाँ सर्प घुसा है। तो सर्प इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। रात्रि का समय है और रात्रि के समय में सर्प बहुत एक्टिव होते हैं जैसा कि आप लोगों को बता दें मौसम हाइबरनेशन का है। सर्दी का टेम्परेचर धीरे धीरे घटता हुआ सर्दी का मौसम है। तो इस समय सर्प हैं वो हाइबरनेशन में जा चुके हैं। हाइबरनेशन की डिटेल बाद में देंगे सर्प को पकड़ते हैं। उससे पहले उन भैया से परिचय करवाना चाहते हैं जिन्होंने एक सुनहरा मौका दिया गोल्डन चांस दिया एक जीव की जान बचाने के लिए। आओ भैया एक बार कैमरे में आओ आओ अलाइनमेंट सर अपना नाम पता बताओ। चतुर्वेदी अमरौली ग्राम अमरौली पोस्ट कीरतपुर डिस्ट्रिक्ट कन्नौज मैं घुघरापुर पावर हाउस का सब स्टेशन लाइन मैन हूँ सुमकोर फीटर से। मेरे यहाँ काला कोबरा निकला है और हमारे मिलने वाले मित्र हैं इनको हमने जानकारी दी यथास्थित सर्प सुरक्षित रखते हुए इनको बुलवाया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों को दिल से चलो ठीक है जो भी समय लगेगा वीडियो के साथ साथ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। देखते हैं सर्प कहाँ पर है सर्प निकालते हैं बताते हैं कुछ विस्तृत जानकारी आई चलो सभी लोग भीड़ पीछे खत्म करो सब लोग पीछे हटाओ बाहर रोशनी है बाहर चलो बाहर अपने घर में सर्प मार ला बंद करो कोई दिक्कत हो भैया थोड़ी दूरी बना के रहना सब आगे भैया उन्हें शांत रहो आप परेशान हो पड़ता है मेन कर रखा है वो दिन हरा लेना है जाओ करे हमने कहा था जाओ ना हो चुप रहो आप शांत रहो बस चंदन देखो बिल्कुल शांत ये सर्प है आप लोग देख सकते हैं सर्प है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है जिसे हिंदी में नाम बोलते हैं और ये इस समय खतरे का सामना कर रहा है और संकेत करता है ये इस समय हुड उठा के और इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग सावधान रहे खतरा है तो आप लोगों ने देखा
ये जो सर्प है इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। और रक्त का थक्का जमा देता है, समय से इलाज नहीं करवाओगे तो उस समय डेथ हो जाएगी। और जब इलाज कराना है सीधे जिला अस्पताल ही जाना है। झाड़ फूंक जड़ी जान चली जाती है, जो झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े रहते हैं बिरवा बिरवा, ये जब जहरीला सर्प काट लेगा आप सीधे जिला अस्पताल जाओ तुरंत। तो इसको परेशान नहीं करना चाहेंगे। साइज भी इसका बेहतरीन है। हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निद्रा। ये अभी थोड़े दिन रुको, सर्दी पड़ने लगी है, सब जमीन के अंदर जा रहे हैं। ये अभी से एनर्जी स्टोरेज कर लेंगे तो 2.5 महीने उसी से काम चलेगा। ये कुछ भी नहीं खाएंगे, बिना कुछ खाए हुए ये रहेंगे। उस समय जब भयानक सर्दी पड़ती है, ये सर्प होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका जो खून है बहुत ठंडा होता है। ये भयानक सर्दी में बाहर आ गए तो ये उस सर्दी को सहन नहीं कर पाएंगे, तो इनकी जान चली जाती है। अभी से ये एनर्जी स्टोरेज कर लेते हैं और उसी से काम चलाते हैं। शांति का सहयोग करो आप लोग। तो जब ये सर्प काट ले आपको सीधे जिला अस्पताल ही जाना है भैया, समझे? ये नहीं कि कहाँ बिरवा दिलवाया जाता है वहां लेके पहुंचो, ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, सीधे जिला अस्पताल जाओ आप। वहीं स्नेक एंटीवेनम लगेगा, तभी आपकी जान बचेगी। साइज इसका बेहतरीन है। इसकी उम्र होगी लगभग 14-15 साल होगी इसकी उम्र। तो आप लोग बेजुबानों को बचाने में हमारी मदद करें, किसी भी जीव को ना मारिए, मारना अपराध है। ये सर्प है, इको बैलेंस सिस्टम बनाए रखने के लिए सर्पों का रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। पर्यावरण का बैलेंस ये सर्प ही बनाए। नहीं होंगे तो चूहों की आबादी को हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। बहुत सी बीमारियां तरह तरह की होती हैं, उनको हम लोग नहीं पा सकते ना, उनका कोई तोड़ है। तो इनका रहना बहुत जरूरी है। कहाँ रहे सर, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। राउंडर है, रोडावेटर है, सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। इनको बचाना मानव जीवन का धर्म है। मारने में कोई मर्दानगी नहीं है। डंडा उठा पटक तो मर जाएगा सर, समझे? तो सर्पों को मारना अपराध है। एक सर्प को मारने की 7 साल की सजा है, कोई भी सर्प हो। ठीक है, इसको पैक करते हैं, लेकर चलते हैं जंगल में पुनर्वास के लिए। अभी रिलीज कर देंगे। और सर कोई नहीं काटता है जब तक पैर नहीं पड़ता है, समझे? जब पैर पड़ेगा तभी सर काटता है। ना सर कभी दूध पीता है, ना देन पे नाचता है, ना बदला लेता है। सर पे एक बूंद दूध पी लेगा तो मर जाएगा। सर्पों के अंदर दूध पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते। ये दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और एक बूंद दूध जहर है सर्प के लिए। ये सपेरा होते हैं, ये उल्लू बनाते हैं हम लोगों को, बेवकूफ बनाते हैं। और आम जनता को जानकारी की कमी के कारण जोगी जो होते हैं उनकी बात को मान लिया जाता है, समझे? और सपेरा क्या करते हैं कि दांत तोड़ देते हैं, विष ग्रंथि निकाल देते हैं, इन्फेक्शन तभी फैल जाता है। और ये भूखा रखते हैं, जब वो छोड़ते हैं जाके तो वो सर्प मर जाता है, वो बचता नहीं है जो जोगी के पास में सर्प होते हैं। तो ठीक है, इसको पैक करते हैं, लेके चलते हैं जंगल में। और कभी मत मारना सर्पों को। वो इतने तकलीफ देते हैं जोगी सर्पों को। देखो इसे कोई परेशानी हुई दादा, जुड़े हुए हैं ये ससु हैं। भैया एक मिनट शांत हो जाओ, इधर आ जाओ, रोशनी में आ जाओ, वीडियो बन जाए आप लोगों का। तो जब भी कोई प्राणी या सर्प आप लोगों को दिखा दे, आप लोग उसे बिल्कुल हमारे मारना अपराध है। आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर सूचित कर हमसे संपर्क करें। जीव जंतु को बचाने का प्रयास एनी टाइम रहता है और ये कार्य निःशुल्क है। इस कार्य का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो
ठीक है भैया, इन सभी लोगों को भैया भैया तमाशा ना करो बाबू जी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान की जान बचाने के। लेकर चलते हैं जंगल में, अभी रिलीज कर देंगे। और आप लोग ये क्या नाम, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है वीडियो को देखकर जागरूक हो, प्रेरित हो। इनसे बातों के साथ वीडियो कनेक्ट करते हैं, लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये सर्फ है जो ग्राम अमरौली से रेस्क्यू करके लाया गया, रात्रि का समय है, सुरक्षित वातावरण में ले आए सर्वाइव करने के लिए। इसको ये रिलीज कर रहे हैं क्योंकि रिलीज करना तुरंत बहुत अच्छा लगता है, किसी भी सर्फ को तुरंत रिलीज करना। साइज इसका एकदम बेहतरीन है, यहीं यहीं छोड़ो रोड। देख सकते हैं धीरे धीरे इस वातावरण को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहा है, देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, प्लीज एक प्यार भरा कमेंट कर हमें सपोर्ट करिए, हमारी टीम को सपोर्ट करिए, जिससे हौसला और बढ़ता रहे, ज्यादा से ज्यादा जीव जंतुओं को बचा सकें। इन्हें सब बातों के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये वातानुकूलित जंगल है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।